नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक विमानन पर आयोजित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का आह्वान भी करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी रोड मैप है। नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। राममोहन नायडू को एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने वर्ष 2035 तक सालाना 3.5 अरब यात्रियों को समायोजित करने के लिए एशिया प्रशांत विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश का आह्वान किया है। नागरिक विमानन मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक विमानन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को 25% तक ले जाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से स्विट्जरलैंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। यह सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की उनकी 3 देशों की यात्रा का तीसरा और अंतिम चरण है। जिनेवा में विदेश मंत्री उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से मिलेंगे जिनके साथ भारत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। जिनेवा में बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र निकाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। डॉक्टर एस जयशंकर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की समीक्षा करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। भारतीय वायुसेना जोधपुर में कई देशों के अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास में से एक तरंग शक्ति 24 आयोजित कर रही है। वायुसेना रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 भी लगा रही है, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उद्घाटन करेंगे। 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के साथ रक्षा उद्योग की भागीदारी होगी। आईडेक्स का लक्ष्य तरंग शक्ति 2024 में भारतीय विमानन उद्योग के स्वदेशी कौशल को प्रदर्शित करना है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लिए जा सकते हैं। आज आखिरी दिन बीजेपी के 26 प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। बीजेपी की तीसरी सूची जारी होने के साथ ही सभी 90 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। आज बीजेपी के सभी प्रत्याशी अलग अलग विधानसभाओं में नामांकन भरेंगे। कैथल विधानसभा से लीलाराम अपना नामांकन भरेंगे। इसी तरह नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढाहटा, समालखा से मनमोहन भंडाना, गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिंद से डॉक्टर कृष्ण मिर्धा पर्चा भरेंगे। वहीं कांग्रेस ने कल चौथी सूची जारी की, जिसमें 5 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने अब तक 90 में से 86 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने कल 19 उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी की। इस सूची में कालका से ओपी गुज्जर, पंचकुला से प्रेम गर्ग, अंबाला शहर से केतन शर्मा, पानीपत शहर से ऋतु अरोड़ा सहित कई अन्य उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार देर रात 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अब जेजेपी, INLD और आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी मैदान में है। हरियाणा में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट ने 14वीं हरियाणा विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। नाम वापस 17 सितंबर तक लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर को और तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। वहीं मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर गए राहुल गांधी ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि हमारी लड़ाई राजनीति को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि क्या एक सिख को उसका हक मिलता है कि नहीं। अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई ये है कि भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी और क्या सिख गुरुद्वारे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, यह सतही है। लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी। भाजपा ने अमेरिका में सिख समुदाय के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस नेता विदेश में संवेदनशील मुद्दों पर बोलकर खतरनाक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या मामले पर जूनियर डॉक्टर्स का स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। जूनियर डॉक्टरों द्वारा आरोपी को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने को कहा था। इससे पहले सीजीआई ने कहा था कि अगर डॉक्टर जल्दी ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हंगामा लगातार जारी है। संजौली में हिंदूवादी संगठनों पर बुधवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल ने आज बाजार बंद रखने का फैसला लिया है। लाठीचार्ज में भाजपा नेता संजय सूद भी घायल हुए थे। शिमला व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि संजय सूद समेत अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज करना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो भी किया है वो निंदनीय है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घायल प्रदर्शनकारियों से अस्पताल में मुलाकात की थी। मस्जिद विवाद को लेकर प्रदर्शन के चलते बुधवार को दिन भर संजौली बाजार बंद रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध मस्जिद को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया है। इस बार भेड़िए के हमले में 50 साल की महिला घायल हो गई है। भेड़िए ने महिला की गर्दन पर वार किया है। हालांकि महिला के जोर से चिल्लाने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद भेड़िया भाग खड़ा हुआ। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हमला कल रात 10 बजे के करीब हुआ। इससे पहले कल भेड़िए ने 11 साल की बच्ची पर हमला किया था। महसी इलाके में अब तक भेड़ियों के हमले में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 10 बच्चे और एक महिला शामिल है। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। अब उसे ढूंढने के लिए पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि वन विभाग की टीम ने बीते 10 सितंबर को 5वें भेड़िए को पकड़ा था। इसके बाद से ही अकेला बचा भेड़िया आक्रामक हो गया है। देश के कई राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह बारिश हुई। सुबह सुबह बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राजधानी दिल्ली में दिन में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान शहर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हासिल होंगे। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल।
इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है और कई हिस्सों के लिए येलो से लेकर रेड अलर्ट तक जारी किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिन तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी 14 सितंबर तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 से 16 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। राजस्थान के कई इलाकों में भारी और अत्यधिक भारी बारिश का सिलसिला अभी कुछ दिन और जारी रहने का अनुमान जताया गया है। जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में बारिश से भी राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है, जिससे गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के मौसम विभाग ने मथुरा में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जिला आपदा प्रबंधन ने लोगों से सावधान रहने को कहा है। देश में 10 दिवसीय गणेशोत्सव शुरू हो चुका है। भक्तों ने आज मुंबई के चर्चित पंडाल में लालबाग राजा गणेश की आरती की। लालबाग के राजा को 20 किलो वजन वाला सोने का मुकुट पहनाया गया है। इस मुकुट की कीमत 15 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक बस, एम्बुलेंस और ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली 2 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं में पहली योजना 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली पीएम ई ड्राइव योजना है, जबकि दूसरी 3,435 करोड़ रुपए के बजट वाली पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम ई ड्राइव योजना प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि पीएम ई ड्राइव योजना मार्च 2024 तक लागू रहे फेम कार्यक्रम की जगह लेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31,350 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए 12,461 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं को अगले 8 साल में क्रियान्वित किया जाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के लिए शिलान्यास समारोह आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेमीकंडक्टर उद्योग को निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एक नीति के तहत सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाइयों के लिए भूमि सब्सिडी और 25% की पूंजी सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी है तो हम उन्हें सस्ती दरों पर जमीन मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से 1000 एकड़ जमीन आरक्षित की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व मुख्य कारोबारी वृष जोशी ने एक फ्रंट रनिंग घोटाले के तहत दुबई में टर्मिनल रखने वाले ब्रोकर्स से रिश्वत के बदले में बाजार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा की है। जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि उसने एक्सिस म्यूचुअल फंड के संदर्भ में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जांच के दौरान 9 सितंबर को मुंबई और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। दक्षिण कोरिया के सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक स्तर पर लगभग 30% कर्मचारियों को निकालने की योजना बना रही है। सैमसंग के इस कदम से भारत और चीन पर भी बुरा असर पड़ेगा।
जर्मनी की कंपनी बायर ने किसानों के बीच सहयोग, नवोन्मेष और ज्ञान साझा करने के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। कंपनी ने इसके तहत भारत में एक वैश्विक पहल फॉरवर्ड फार्मिंग शुरू की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के फैसले के खिलाफ अमेरिका स्थित ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC की अपील पर 17 सितंबर को सुनवाई करेगा। बैंक के फिक्स डिपॉजिट सहित निवेश के अन्य साधनों को पीछे छोड़ते हुए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने एक साल में 31% तक का मुनाफा दिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक साल में दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों की तुलना में सर्वाधिक 25% रिटर्न दिया है। वहीं दूसरे स्थान पर 22% के साथ अमेरिका का S&P 500 है। अमेरिका के डाउ जोन्स और नैसडैक कंपोजिट ने एक साल में 18% और 21% रिटर्न दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर है। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स NSA बैठक के इतर अजीत डोभाल ने रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से द्विपक्षीय बैठक की। फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास ने युद्ध विराम समझौते के अमेरिकी प्रस्ताव को बिना किसी नई शर्तों के लागू करने की इच्छा जताई है। कतर और मिस्र के मध्यस्थों के साथ दोहा में बैठक के दौरान हमास प्रतिनिधि मंडल ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम समझौता लागू करने की दिशा में रचनात्मक और लचीला रुख प्रदर्शित किया। हमास ने कहा है कि उन्होंने गाजा पट्टी से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी की मांग की है और इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्र का शासन एकीकृत फिलिस्तीनी विजन के साथ आंतरिक फिलिस्तीनी मुद्दा बना रहना चाहिए। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर छोटी दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहीं इस बारे में दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि घटना की जांच चल रही है। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने के लिए और अधिक आत्मघाती ड्रोन के विकास और उत्पादन का आह्वान किया है। तूफान फ्रांसिन ने अमेरिका के लुइसियाना तट पर दस्तक दी। राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार मध्य समय में तूफान फ्रांसिन दक्षिणी लुइसियाना के चारेबोन पैरिश में पहुंचा, जो मॉर्गन सिटी से 30 मील दक्षिण पश्चिम में है। बाढ़ की स्थिति को देख अधिकारियों ने नया पैरिश में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके अलावा पैरिश के सबसे निचले तटीय क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान के पेशावर में एमपॉक्स वायरस का 5वां मामला। खैबर पख्तूनख्वा के स्वास्थ्य मंत्री कासिम अली शाह ने जानकारी देते हुए कहा कि 5वां मामला 33 वर्षीय मरीज के रूप में 7 सितंबर को इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था। कासिम अली शाह ने कहा कि मरीज सऊदी अरब से आया था। मरीज के लक्षणों में सुधार हो रहा है। उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण फैलने के बारे में अवगत करा दिया गया है। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें कैंसर था। हाल ही में उन्हें क्षमादान मिला था और जेल से रिहा होने के मात्र 10 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। अल्बर्टो फुजीमोरी के निधन की घोषणा उनकी बेटी केको फुजीमोरी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए की। उनकी बेटी ने जुलाई 2024 में कहा था कि वह 2026 में चौथी बार पेरू के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। एशिया क्रिकेट परिषद ने महिला अंडर 19 T20 एशिया कप शुरू करने का फैसला किया है। एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने महिला अंडर 19 T20 एशिया कप की शुरुआत की घोषणा की। ICC ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले आगामी महिला T20 विश्व कप में 18 साल से कम आयु वर्ग के लिए निःशुल्क प्रवेश का फैसला किया है, जबकि इसके लिए टिकटों की कीमत 5 दिरहम यानी कि लगभग 115 रुपए से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को एक खास लेटर लिखकर भारतीय हॉकी में उनके अभूतपूर्व योगदान की सराहना की है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। अब ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय हॉकी के वॉल कहे जाने वाले पीआर श्रीजेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके रिटायरमेंट पर एक खास पत्र दिया। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड के पहले दिन ओपन वर्ग में भारत ने मोरक्को को 4-0 से हराया, जबकि महिलाओं की स्पर्धा में भारत ने जमैका पर 3.50 से जीत हासिल की। हंगरी के बुडापेस्ट में 12 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में 1,800 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 193 टीमें ओपन वर्ग और 181 टीमें महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। पिछले संस्करण के मेजबान भारत ने दोनों वर्गों में कांस्य पदक जीते थे। सुब्रतो कप का 63वां संस्करण समाप्त हो गया। लड़कों के अंडर 17 का फाइनल मुकाबला आयोजित हुआ, जहां पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां मणिपुर ने मुकाबले को 5-4 से अपने नाम खिताब को किया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार 3री जीत हासिल की। भारत ने मलेशिया को 8-1 के बड़े अंतर से हराने में सफलता पाई। एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट हरमिलन बैंस का मानना है कि देश में खेल को एक नया स्तर मिला है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पैरालंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है, वह देश में पैरा खेलों को नई ऊंचाई देगा। हरमिलन बैंस ने ओलंपिक और पैरालंपिक में मेडल्स को लेकर चल रही तुलना को सही नहीं बताया। हरमिलन बैंस ने कहा कि सभी एथलीट हैं और हर खिलाड़ी का मकसद देश के लिए मेडल जीतना होता है। ऑस्ट्रेलिया के हॉकी खिलाड़ी टॉम क्रेक को पेरिस ओलंपिक के दौरान कोकिन खरीदने की कोशिश के आरोप में हॉकी ऑस्ट्रेलिया ने 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। क्रेक को कोकिन खरीदने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण अमेरिकी विश्व कप क्वालिफायर में एक उलट फिर देखने को मिला, जब कोलंबिया ने अर्जेंटीना के खिलाफ 1-2 से जीत दर्ज की। जेम्स रॉड्रिगेज ने पेनल्टी पर गोल डाककर कोलंबिया को यह अहम जीत दिलाई। शिकस्त मिलने के बाद 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर के मुकाबले में ब्राजील की टीम को हार का सामना करना पड़ा। ब्राजील को यह हार पराग्वे के हाथों मिली। टेलीविजन सीरीज कोमोडाइज एल डीचो में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले 26 वर्षीय अभिनेता जेम्स हॉलक्राफ्ट 3 सितंबर 2024 को लापता हो गए थे। अब उनका शव मैक्सिको से बरामद हुआ है। मशहूर पंजाबी गायक गुरु रंधावा पर जसलिन रॉयल ने कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा किया है। उन्होंने इस मामले में टीवी सीरीज और गीतकार राज रंजोत को भी शामिल किया है। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने सोतेले पिता अनिल कुलदीप मेहता के निधन के बाद पहला पोस्ट शेयर किया। अपने पोस्ट में अभिनेत्री ने पिता की मौत को लेकर अपना और परिवार का दुख जाहिर किया है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ अपनी आने वाली फिल्म अल्फा की शूटिंग में व्यस्त हैं। बताया जा रहा है कि आलिया और शर्वरी के लिए 15 दिन एक्शन से भरपूर होने वाले हैं। फिल्म के लिए मुंबई में एक बेहद सुरक्षित सेट तैयार किया गया है। अजय देवगन, रितेश देशमुख अभिनीत फिल्म रेड 2 के निर्माताओं ने एक नया पोस्टर जारी कर फिल्म के रिलीज की तारीख की घोषणा की है। यह फिल्म अगले साल 21 फरवरी को रिलीज होगी। एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट और सुटेबल पिक्चर्स की फिल्म बोंग का 49वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। फिल्म फेस्टिवल में बोंग डिस्कवरी सेक्शन में दिखाई गई।
आने वाली फिल्म धवक की शूटिंग कर रहे अभिनेता यशपाल शर्मा ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा कि इसमें मेरी भूमिका काफी मजबूत और गहरी है। साथ ही बताया कि उनका यह किरदार उन्हें उनके पिता की याद दिलाता है। बॉलीवुड फिल्मकार करण जौहर का कहना है कि फिल्म देवरा में जानवी कपूर ने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया है। करण जौहर ने हाल ही में देवरा ट्रेलर लॉन्च में जूनियर एनटीआर जानवी कपूर और सैफ अली खान की उनके अभिनय की प्रशंसा की। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान फिल्म देवरा पार्ट 1 से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। देवरा पार्ट 1 में सैफ अली खान एक खूंखार विलेन की भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत बासी फिल्म बारबी फेल के बाद अब सेक्टर 36 में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाएंगे। सेक्टर 36 को मैडॉक फिल्म्स के द्वारा प्रोड्यूस और आदित्य निम्बालकर के द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।